हेलो फीफा लवर्स, वेलकम टू द सुपर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर अपडेट एपिसोड ऑफ फीफा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सारा अपडेट एंड न्यूज मिलने वाला है फीफा के ऊपर रिलेटेड। इसमें से मैं कुछ कुछ अपडेट आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि सुनेला कैरेक्टर के एक न्यू नाम पता चला है एंड दोस्तों उसके साथ साथ जो उसका स्किल है उसके बारे में डिटेल्स अभी तक आ गया है एंड दोस्तों उसके बाद आ रहा है एक मेगा कोलैब जो कि होने वाला है फ्री फायर एंड बहुत ही बड़ा एक टेक जायंट कंपनी के साथ एंड दोस्तों उसके बाद एक न्यू इनक्यूबेटर का बातचीत चल रहा है जो कि होने वाला है एक बहुत ही खास, ठीक है। तो सभी कुछ चीज़ आप लोगों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो कम बको भट, लेट्स द वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लीक्स एंड अपडेट के ऊपर बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मैंने स्टार्ट किया है एक न्यू चैनल जो कि मैं आज या फिर कल लॉन्च करने वाला था, लेकिन दोस्तों क्या ही बताऊँ, मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा था कि 3K फैमिली मेंबर जब भी आप लोग की शूटर्स ऑफिशियल चैनल के ऊपर कंप्लीट कर दोगे तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लाने वाला हूँ Q&A वीडियो एंड दोस्तों उसके साथ साथ मैं रिव्यूल करने वाला हूँ कि सेकेंड ऑफ ऑल जो चैनल मैं ओपन करने वाला हूँ वो, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या ही बताऊँ, यूट्यूब का कुछ ग्लिच होगा या फिर क्या ही होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि 30 सब्सक्राइबर मेरा यहाँ पर घट गया है, ठीक है। मतलब अभी होने वाला था शायद 2970 या फिर 80 होने वाला था, लेकिन दोस्तों वो घटकर चला आया है 2940 पे, ठीक है। तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है, तो जो भी है दोस्तों इस हफ्ते के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो 3K फैमिली मेंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग फर्स्ट Q&A वीडियो का जो ऐलान है वो हम लोग कर लेंगे एंड दोस्तों उसके साथ साथ मैं न्यू जो हमारा चैनल होने वाला है, ठीक है, तो उसका भी नेम प्लस बोल सकते हो आप लोग, लोगो बैनर सब कुछ यहाँ पर रेडी है एंड चैनल भी क्रिएट हो चुका है, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ एंड शायद कुछ कुछ लोगों को पता भी है क्योंकि फेसबुक पे इन्विटेशन उन लोगों के पास चला गया है ऑलरेडी उस चैनल के ऊपर से। तो अगर जिन जिन लोगों के पास गया है तो भाई वो लोग लकी है कि पहले उन लोगों को पता चल गया है, लेकिन जिन जिन लोगों के पास नहीं गया है तो वेट फॉर द एंड कि 3K हम लोगों का फैमिली मेंबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपडेट के ऊपर आप लोग बात कर लेते हैं वही दोस्तों एडवांस सर्वर, तो आप सभी लोगों का इंतजार यहाँ पर खत्म होने ही वाला था आज, लेकिन दोस्तों होते होते रहेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो एडवांस सर्वर का जो अपडेटेड पेज है कि 27 नवंबर को यहाँ पर एडवांस सर्वर ओपन होने वाला है, लेकिन दोस्तों इसके पहले था 26 नवंबर, ठीक है, आज ही के दिन यहाँ पर अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद जो अपडेट के ऊपर हम लोग बढ़ जाते हुए दोस्तों एक मेगा कोलैब के ऊपर जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि, तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही बड़ा एक टेक जायंट कंपनी आप सभी लोग जानते हो उसको, जिसका नाम है गूगल, तो गूगल यहाँ पर कोलैब करने वाला है फ्री फायर से, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा कोलैब होने वाला है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि गूगल बहुत सारा गेमिंग कंपनी के साथ कोलैब करके एक प्ले ऑन चैलेंज रखता है, मतलब आप लोग बोल सकते हो प्ले ऑन टूर्नामेंट रखता है, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों फ्री फायर ताइवान एंड दोस्तों उसके साथ साथ फ्री फायर साउथ कोरिया का जो सर्वर है उसमें ऑलरेडी कोलैब हो चुका था, लेकिन दोस्तों उस कंट्री में फ्री फायर उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो इसलिए शायद वो न्यूज़ हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। लेकिन दोस्तों अभी जो होने वाला है अभी के टाइम ब्राज़ीलियन सर्वर पे ब्राज़ील जो गूगल कंपनी है, मतलब ब्राज़ील सर्वर का जो गूगल कंपनी है, तो वो कोलैबोरेशन करने वाला है फ्री फायर के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ब्राज़ील में सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम है फ्री फायर, ठीक है, तो कोलैबोरेशन करने वाला है एंड प्ले ऑन में बहुत सारा भाई प्राइज पूल देने वाला है। आप लोगों को पता ही है भाई गूगल यहाँ पर टूर्नामेंट कर रहा है तो भाई कितना प्राइज मनी हो सकता है, आप लोग उम्मीद लगा लो, ठीक है। एंड मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों क्या थिंकिंग है, कितना ज़्यादा प्राइज पूल यहाँ पर गूगल रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि है न्यू कैरेक्टर के बारे में, तो न्यू कैरेक्टर के बने में तो आप लोगों को पता चल गया था कि क्या होने वाला है इसकी एबिलिटी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे इसके पिछले वीडियो में कि सुनेला जो कि न्यू कैरेक्टर आने वाला है फीमेल कैरेक्टर, उसकी एबिलिटी अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ऊपर में जो आई वाला बटन, उस बटन को क्लिक करके आप लोग जा सकते हो उस वीडियो के अंदर एंड आप लोग देख सकते हो इसकी एबिलिटी क्या होने वाला है, भाई खतरनाक एबिलिटी होने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी देख सकते हो कि सुनेला का एबिलिटी का जो कलर होगा वो कैसा होगा एंड दोस्तों ये होने वाला है एक्टिव स्किल कैरेक्टर, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को दावे से कह सकता हूँ कि जो एबिलिटी यहाँ पर बताया गया है अगर वो आ गया तो भाई यहाँ पर द एरा ऑफ अलोक एंड के का पूरा खत्मा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अलोक एंड के कैरेक्टर जितना ज़्यादा पॉपुलर था फ्री फायर के अंदर वो अभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों उसके बाद जो अपडेट के ऊपर हम लोग बढ़ जाते हैं वो है दोस्तों CR7 मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर गेम के अंदर आ सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका पॉसिबिलिटीज उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन
जो 100% आने वाला है वो है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इमोट। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक पिक्चर एंड यहाँ पर एक वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना जो स्पेशल वाला इमोट जो कि दिखाता है गोल होने के बाद, तो वो इमोट यहाँ पर आने वाला है गेम के अंदर जिसका नाम होगा सी करके होगा इमोट का नेम। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल अपडेट है। एंड यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि शायद जो 19 दिसंबर को क्रोनो इवेंट आएगा उसके अंदर जो कैरेक्टर आने वाला है क्रोनो करके नेम होगा उसका, वो भी शायद यहाँ पर थोड़ा सा मिलता जुलता हो देखने में CR7 जैसा ही। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं। एंड दोस्तों उसके बाद जो चीज़ के ऊपर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे वो है दोस्तों एक न्यू मोड के ऊपर। तो ये न्यू मोड नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग बोल सकते हो एक और एक मोड का वर्सन 2.0 है जो कि है दोस्तों डेथ रेस मोड। जो लोग पुराने फ्री फायर का प्लेयर है उन लोगों को पता है भाई डेथ रेस मोड क्या होता है, या फिर आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च भी कर सकते हो डेथ रेस मोड, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेथ रेस मोड का वर्सन 2.0 आने वाला है जिसका नाम होगा कॉस्मिक रेस। ठीक है, तो ये न्यू आने वाला है OB25 अपडेट के बाद, ऐसा ही सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं दोस्तों जब एडवांस सर्वर ओपन होगा कल तो हम लोगों को पता चल जाएगा 100% कि ऐसा कोई मोड आने वाला है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों लास्ट ऑफ ऑल जो अपडेट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं वो है दोस्तों स्नीक लीक से यहाँ पर खबर आ रहा है कि भाई P90 का इनक्यूबेटर यहाँ पर आने वाला है। आप लोगों को तो पता ही है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है कि इनक्यूबेटर का मतलब गन स्किन का इनक्यूबेटर आ रहा है एक के बाद एक। ठीक है, तो शायद अभी जो पता चल रहा है कि P90 का इनक्यूबेटर यहाँ पर आने वाला है। एंड दोस्तों उसके साथ साथ में मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि क्लास स्क्वाड रैंक पे गोल 3 क्रॉस करने के बाद आप लोगों को P90 का गोल्डन कलर का स्किन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो शायद मुझे जो लगता है कि OB25 अपडेट के दौरान आप लोगों को P90 के अंदर बहुत सारा चेंजेस मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। एंड दोस्तों यहाँ पर स्किन के ऊपर तो आप लोग पहले ही देख चुके हो कि P90 का दो स्किन कैसा होने वाला है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो स्किन यहाँ पर निकल के आ रहा है स्नेक लीक्स के दौरान। तो देखते हैं दोस्तों इन फ्यूचर और भी बहुत सारा P90 का टेक्सचर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा आज का वीडियो का अपडेट आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, एंड दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। एंड दोस्तों उसके साथ साथ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। एंड जो जो इस चैनल के ऊपर न्यू आए हो वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना। एंड दोस्तों उसके बगल में जो बेल वाला आइकन आ रहा है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।